Hi guys, welcome back to the last and the fourth video lecture of Living World. I hope आपको बाकी के lectures जो है वो समझ में आए होंगे. ये पूरा chapter आपको clear हुआ होगा. And आपको अगर कोई doubt होगा तो मुझे comment section में लिख के बताइएगा. उसमें कुछ questions हैं आपके textbook में, उन्हें solve करिए. उसमें भी अगर आपको doubt आता है तो आप मुझे लिख के बताइएगा. I'll help you clear your doubts. With this, I have a request to make. Please do like, share and subscribe to the channel of Dev Tutorial. We are working really very hard. We all are working really very hard amidst this lockdown period. तो आप सब हम सबको encourage कर सकते हैं by liking, sharing and subscribing to this channel of Dev Tutorial. Please videos को like करिए, share करिए और उन सब लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इन videos की ज़रूरत है, जिससे हम सब और encourage होते जाएं इन सारी videos को frequently आप तक पहुंचाने के लिए. With this, let's start with the last video lecture of Living World. Let's get started. Taxonomical studies of all the known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. All organisms including those in plants and animal kingdom have species as the lowest category. Now the question you may ask, how to place organism in various categories. The basic requirement is knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps us to identify the similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as of the other kind of organisms. इस पर वैसे मैंने बात करी हुई है. ये बोलते हैं कि जो मैंने आपको ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई, जो कि हर एक एक इंडिविजुअल एक अलग टैक्सोनॉमिक एक अलग टैक्सॉन है, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम. स्पीशीज जो है इसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है और ये सारी कैटेगरीज का जो प्लेसमेंट किया गया है वो बेसिक क्या है, उसके बेसिक वही है जो कैरेक्टर्स हैं. हम कुछ सारे कैरेक्टर्स बोलते हैं, उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं और हर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको हर पर्टिकुलर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें जो है वो भेज देते हैं. इससे क्या होता है, आप क्लासिफिकेशन कर पाते हो. तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो सकता है, कैरेक्टर्स पे. कुछ चीजें जो कैरेक्टर्स एक सिमिलर होंगी वो उसमें जाएंगी और वो उसके लिए बेनिफिट होंगी और वो ऑर्गेनिजम्स जो है उस पर्टिकुलर टैक्सॉन में जाएंगे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगे. सबसे पहले एक लोएस्ट कैटेगरी की बात करते हैं. टैक्सोनॉमी में सबसे जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसमें लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज की होती है. टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज. ये कुछ ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, याद रखना, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, उनको एक स्पीशीज में रखा जाता है. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. अच्छा, एक स्पीशी जो है वो दूसरे स्पीशीज से अलग होगी और वो अलग कैसे होगी, बहुत क्लोजली अगर हम उन कैरेक्टर्स को वॉच करेंगे तो बहुत क्लोजली वॉच करने पे हमें कुछ डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी जो एक स्पीशी को दूसरे स्पीशी से अलग करती होगी. जैसे कि ये है मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज पोटेटो एंड पैंथेरा लियो दैट इज लायन. ये मैंगो, पोटेटो और लायन के जो है वो बायोलॉजिकल नेम्स हैं. ऑल द थ्री नेम्स आपको सबको पता है, फर्स्ट जीनस होता है, सेकंड स्पीशीज एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जिसमें इंडिका स्पीशीज है मैंगो में, ट्यूबरोसम स्पीशीज है पोटेटो में और लियो स्पीशीज है लायन में. ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं. वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर द जेनेरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी. तो जीनस के बाद जो है वो नेक्स्ट जो बिगर कैटेगरी है स्पीशीज के बाद वो है जीनस. तो जो आगे के वर्ड्स हैं वो सारे जीनस हैं, दैट इज मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा और पैंथेरा, एंड जो पीछे के वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक एपिथेट हैं. ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना. ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जैसा यहाँ पे पैंथेरा लियो है उसी तरीके से आगे अभी हम पढ़ेंगे पैंथेरा टाइग्रिस. पैंथेरा पैंथेरा जीनस सेम है पर एक का स्पेसिफिक एपिथेट लियो हो जाएगा, एक का स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रिस हो जाएगा, लेकिन उससे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आ गया
तो वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अलग हो गया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट जिसको अभी मैं बोल रही थी टाइग्रिस, और सोलैनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मिलोंजना. मकोई जो है वो नाइग्रम होता है, मिलोंजना जो है ब्रिंजल होता है. तो ये सारे देखो, अब सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम नाइग्रम या सोलैनम मिलोंजना, ये दो तीनों के तीनों हैं तो सारे के सारे जीनस सबके एक हैं, पर स्पीशीज क्या हो रही है, इंडिका है सोलैनम इंडिकम जो सॉरी सोलैनम ट्यूबरोसम है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है नाइग्रम और तीसरा है मिलोंजना. तो तीनों की स्पीशीज अलग हो गई पर जीनस सेम है, यही वो बोल रहे हैं. और अगर जो है वो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से डिफरेंस है तो उनमें जो है वो थोड़ी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होगी, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल अलग अलग होंगे. ये बात आपको समझ में आई, जीनस अगर सेम है लेकिन फिर भी स्पीशीज अलग अलग है तो उनमें मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी सो सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे. मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज कहने का मतलब क्या है, दिखने में एक जैसे होंगे. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो. द साइंटिफिक नेम इसीलिए इनके क्या है, होमोसेपियंस. बाकी के साइंटिफिक नेम्स जो है वो अभी हमने देखे हैं, किसके किसके देखे, हमने पोटेटो देखा है, हमने मैंगो देखा है और हमने लायन देखा है, प्लस टाइगर भी देखा है. तो स्पीशीज क्या हुई, लोएस्ट स्पीशीज के बाद आता है जीनस. अब एक चीज याद रखना, अभी मैंने क्या देखा, जीनस एक ही था पर स्पीशीज कई थी ना उसी सेम जीनस में, सोलैनम में बाकी तीन है जिसमें पोटेटो भी आ गया, ब्रिंजल भी आ गया था, मकोई भी आ गया था. उसी तरीके से दूसरा जो है वो क्या है, जीनस. जीनस क्या कंप्राइज करता है, इसका मतलब समझ पा रहा है कि जीनस में ही दो तीन स्पीशीज हैं. तो जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है याद रखने का, कि वो भी जो स्पीशीज है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप एकदम अनरिलेटेड दो स्पीशीज को लेकर एक जीनस में डाल दोगे, वो कभी नहीं हो सकता है. क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर्स फिट ही नहीं बैठेंगे. तो जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. अच्छा, अब अगर कोई दूसरा जेनरा है, मतलब उन वो जो जीनस है वही अलग है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें के जो स्पीशीज होंगी और जो ऐसी दो स्पीशीज होंगी जिनका जीनस सेम है, तो सिमिलैरिटी आपको किसमें ज्यादा देखने को मिलेगी. मेरा क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि एक जो है वो जिनका जीनस सेम है उन दो चीजों में, दो स्पीशीज में सिमिलैरिटी ज्यादा होगी या उनमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी जिनका जीनस ही अलग अलग है. वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, मतलब एक कॉम्बिनेशन है. जब कई सारी स्पीशीज जो रिलेटेड है एक दूसरे से वो एक साथ मिलती है तो एक जीनस बनता है. फॉर एग्जाम्पल पोटेटो एंड ब्रिंजल are two different species but both belong to the genus Solanum. Solanum tuberosum, Solanum melongena. देखो दोनों में सोलैनम सोलैनम है, मतलब दोनों का जीनस सेम है लेकिन दोनों के स्पीशीज अलग अलग है, तो एक पोटेटो है एक ब्रिंजल है, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलैनम. उसी तरीके से लायन इज पैंथरा लियो, इसलिए इसको लायन बोलते हैं, लियो लायन. पैंथरा पार्डस विच इज फॉर लेपर्ड, लेपर्ड पार्डस याद रखने के लिए थोड़ा राइम करता है, लेपर्ड एंड पार्डस. वैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट्स लियोपर्ड, इट्स नॉट लेपर्ड, सो इट्स लियोपर्ड, लेकिन स्टिल आपको याद रखने के लिए टाइगर टिग्रिस आप समझ ही जाओगे. अब ये यहाँ पे देखो तीन स्पीशीज हैं लेकिन तीनों के जीनस एक ही है. क्या है तीनों के जीनस, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ. लायन, लेपर्ड और टाइगर, तीनों के जीनस क्या है. पैंथरा देख रहा है, फिर भी आप पढ़ के बताओ. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. अब एक आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग कहते हैं ना कि जो बिल्ली है वो भी शेर की मौसी होती है, ऐसा कुछ बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों की फैमिली सेम है. लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर आओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि अभी यहाँ पे तो आपको जीनस अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि फेलिस भी एक अलग जीनस है जिसमें कैट्स आते हैं. जैसे कि यहाँ पे पैंथरा में जो जीनस है उसमें टाइगर, लायन और लेपर्ड आते हैं, उसी तरह फेलिस एक जीनस है जिसमें आते हैं कैट्स. फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली. अब फैमिली क्या है, उसी तरीके से जैसे स्पीशीज, जो स्पीशीज से जीनस, तो मतलब कि जो जीनस है वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज है. तो जीनस के बाद अगर फैमिली है तो ग्रुप ऑफ जीनस क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी.
देखो नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जैसे वहां रिलेटेड स्पीशीज थी जेनेरा, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. लेकिन जितनी सिमिलैरिटी जीनस में थी या स्पीशीज में थी उससे कम होती जाएगी अब सिमिलैरिटीज. ये चीजें हम और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, वो कम होती जाती हैं. क्यों? क्योंकि जो क्लास है वो बढ़ने लग रहा है ना. पहले तो सिर्फ स्पीशीज थी जो कॉमन में एकदम आसपास की बहनें थी, अब हम निकल करके जो है अपने कजन्स में आ गए, कजन्स में हम अपनी अब हमारा जो पूरी बड़ी फैमिली हम उसमें आ गए. तो लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, लोग बढ़ते जा रहे हैं. तो अगर हमको एक, मान लो तुम और तुम्हारे भाई हो, तो तुम दोनों को ढूंढना आसान है, एक ही कमरे में हो. अब तुम्हारे भाइयों के साथ जो है वो और सारे लोगों को डाल दिया गया दो चार कमरे में. अब बोल रहे हैं अब ढूंढो, तो वो जीनस हो गया. अब जीनस से ले आकर के एक पूरे कॉलोनी में तुमको छोड़ दिया गया है. अब कह रहे हैं ढूंढो, तो ढूंढना मुश्किल है ना. क्यों? क्योंकि आप मिलोगे ही नहीं. क्या नहीं मिलोगे? आपके कैरेक्टर ही नहीं मिलेंगे. अरे यार वो कैसा दिखता था. इसी पे बिहाफ पे तो तुम ढूंढोगे ना, अब जब कोई देख ही नहीं पा रहा है तुमको क्योंकि तुम पास पास ही नहीं हो. उसी तरीके से इनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो पास पास ही नहीं है. क्लासिफिकेशन बड़ा होते जा रहा है तो इनकी सिमिलैरिटीज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. अब जैसे देखो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. वेजिटेटिव फीचर्स वो होते हैं जो एसेक्सुअल फीचर्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स वो होते हैं जिनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा है यहाँ पे. सोलेनम जिसमें पोटैटो वगैरह आते हैं, पेट्यूनिया एक अलग जेनरा है, और धतूरा ये एक अलग जेनरा है. लेकिन ये तीनों के तीनों, अब जेनरा फैमिली क्या है? जीनस का कॉम्बिनेशन. तो कई सारे जीनस जो एक दूसरे से थोड़ा सिमिलर हैं या एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो एक फैमिली में आ जा रहे हैं. तो आप याद रखोगे सोलेनम पिट्यूनिया एंड धतूरा ये किस फैमिली में आते हैं? सोलनेसी. किस में आते हैं? सोलनेसी. किस में आते हैं? सोलनेसी. एक कोड है इसका, आप याद रख लोगे सोलनेसी के लिए आप कोड याद रखोगे इस पर्टिकुलर चीज में. ये जो बच्चे 11th का देख भी रहे होंगे उनके लिए भी ये इजी है और बाकियों के लिए भी ये इजी होगा. ये हो जाएगा आपका यहां पे, आप याद रखोगे SDP सोलेनम सोलनेसी धतूरा और पिट्यूनिया SDP. आगे पढ़ोगे SDP का मतलब शॉर्ट डे प्लांट भी होता है, तो ऐसे ही SDP आपके बायोलॉजी में ही एक टर्म आएगा तो आपको याद रहेगा SDP सोलेनम. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि सोलेनम पिट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलनेसी. और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो पैंथरा में लायन टाइगर लेपर्ड आ जाते हैं, और इनको एक दूसरे जीनस के साथ रखा जाता है जो क्या था? फेलिस. मैंने इससे पहले बोला था ना. और ये सारे के सारे किस में आते हैं? फैमिली फेलिडे. फैमिली फेलिडे. तो जो पैंथरा किस मतलब लाया पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस और पैंथरा टिग्रिस, ये एक दूसरे जीनस फेलिस जिसमें कैट्स आती है इनके साथ आ जाते हैं, और इसीलिए किस फैमिली में आते हैं? फेलिडे. इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब किसकी फैमिली है? कैट फैमिली. अब समझ में आया मौसी क्यों है? Similarly, if you observe features of cat and dog, you will find some similarity and some difference as well. अब चूंकि cats और dogs एक दूसरे से similar नहीं है, पर हाँ उनमें कुछ similarity जरूर होती है. So on the basis of that similarities too, ये different family है अलग, जिसमें felidae is for cats and canidae it's for dogs. ऐसे याद रखेंगे, C से cat होता है लेकिन opposite है. तो कैनिडे इज फॉर डॉग्स एंड फेलिडे इज फॉर कैट्स. और उसी कैट फैमिली में दो जीनस के अलग अलग लोग आते हैं, दैट इज फेलिस कैट की जीनस है, और पैंथरा किसका जीनस है? ये लायन लेपर्ड और टाइगर के. अब आते हैं हम ऑर्डर पे. ऑर्डर क्या है? अब जैसे स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर, स्पीशीज फिर जीनस. तो जीनस में ग्रुप ऑफ स्पीशीज आया, जीनस के बाद फैमिली आता है, तो फैमिली में ग्रुप ऑफ जीनस आया. तो उस हिसाब से ऑर्डर में क्या आएगा? ग्रुप ऑफ फैमिली तो आएगी. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली बात है, भले वो सिमिलर कैरेक्टर्स ऊपर आते हुए कम होते जा रहे हैं, पर कुछ तो कैरेक्टर्स आपको सिमिलर मिल ही रहे हैं.
Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. अब मैंने बोला था ना कि ऊपर अब आपको बहुत सारे characters नहीं मिलेंगे, तो एक aggregates मिलेगा, character का एक sum मिलेगा, क्योंकि family के बाद से और higher level of hierarchy जो है वो शुरू हो जाती है, इसलिए आपको aggregate मिलेगा characters के. Order being a higher category, जो अब हम बोल रहे हैं, is the assemblage of families which exhibit few similar characters. उसी तरीके से जैसे फैमिली जो है वो जीनस को कंप्राइज कर रहा है, उसी तरीके से जो है वो ऑर्डर फैमिली को कंप्राइज कर रहा है जिसमें फ्यूअर कैरेक्टर्स हैं, और वो कैरेक्टर्स जो है जितने फैमिली में मिलने चाहिए थे जब ग्रुप ऑफ जीनस के वजह से जो फैमिली बन रही थी, उससे और कम होते जाएंगे जब ग्रुप ऑफ फैमिली से एक ऑर्डर बनेगा. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली. अब वो जो कैरेक्टर्स हैं वो उतने नहीं मिलेंगे जब आप जेनरा को कंप्लीट कर रहे थे, जेनरा को कंप्राइज कर रहे थे एक फैमिली में, या डिफरेंट जेनरा को कंप्राइज करके जब आप फैमिली बना रहे थे, तो उतने ऑर्डर अब आपको फैमिली को कंप्राइज करके ऑर्डर में नहीं मिलेंगे. कैरेक्टर्स प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वल्वलेसी सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन दी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स. अब ये सारी चीजें याद रखना, बहुत जो ये ऑर्डर्स है, और जैसे हमने फैमिली भी पढ़ा ना कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई किया जाता है, उसी तरीके से ये भी इनका भी क्लासिफिकेशन ना मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड है. अब याद रखेंगे PCS, PCS एग्जाम होता है ना, SDB पढ़ा था, अब यहाँ पे हम याद रखेंगे PCS, ऑर्डर, जैसे होता है ना किस ऑर्डर का, किस ऑर्डर पे है ये, किस ऑर्डर पे काम करते हैं, तो याद रखना PCS ऑर्डर पे है ये. पॉलीमोनियल कॉन्वल्वलेसी एंड सोलनेसी, याद रखेंगे पॉलीमोनियल इज द ऑर्डर एंड कॉन्वल्वलेसी एंड सोलनेसी आर द फैमिलीज. और SDB क्या था, जो है सोलनेसी वॉज द फैमिली एंड सोलेनम S, D, धतूरा एंड P, पिट्यूनिया, ये सारे के सारे क्या थे, अलग अलग जेनरा थे. द ऑर्डर कार्निवोरा, एक ऑर्डर आपको प्लांट का दिखा यहाँ पे पॉलीमोनियल, एक ऑर्डर आपको कार्निवोरा मिलेगा जो एनिमल्स में पाया जाता है. वो ऑर्डर इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे, मतलब डॉग फैमिली एंड कैट फैमिली, इनको इंक्लूड करके कार्निवोरा फैमिली ऑर्डर बनता है. दो फैमिलीज आई फेलिडे एंड कैनिडे, मुझे बताना कैनिडे किसके लिए है और फेलिडे किसके लिए, मैंने याद करने के लिए बताया था ऑपोजिट है, कैनिडे सी से जो होता है उसके ऑपोजिट है कैनिडे, और फेलिडे तो फिर आप बता ही दोगे. ये किसमें आते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं, ये चूंकि आपको याद रहेगा तो इसका कोई कोड मैंने नहीं बनाया है. अब कई सारे ऑर्डर को मिला दोगे तो क्लास बन जाएगा, जैसे क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर होता है प्रिमेटा, जिसमें मंकी गोरिल्ला गिबन ये प्लेस्ड होते हैं इन अ क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर कैट्स एंड डॉग्स. तो मैमेलिया में दो ऑर्डर आया, एक आया जो है वो ऑर्डर है प्रिमेटा, और एक ऑर्डर आया जो है वो कार्निवोरा. तो दोनों को एक साथ मिलाकर के क्लास क्या हो गया, मैमेलिया. और मैमेलिया क्लास होने के फीचर्स क्या हैं, बॉडी हेयर्स होने चाहिए, जो है उनमें ईयर होता है, प्रोट्यूडेड मतलब प्रोट्यूडेड प्रोमिनेंट ईयर्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड होती हैं. तो लेकिन ये क्लास कहाँ से आया मैमेलिया, दो ऑर्डर को मिला करके, एक ऑर्डर प्राइमेटा और एक ऑर्डर कार्निवोरा. कार्निवोरा में अब आप मुझे बताना कार्निवोरा में कौन सी दो फैमिलीज थी. क्लास में आपको पता चल गया मैमिलिया एक क्लास है जिसमें दो ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर है आपका प्राइमेटा, दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा. अब कई सारे जब क्लास को मिला देंगे तो एक फाइलम बन जाएगा. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स अलोंग विद मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर लेवल कॉल्ड फाइलम. अब ये सारे क्या है, क्लासेस हैं अलग अलग जो एक साथ जुड़ जाएंगे, अगर मैमल के साथ जो भी एक क्लास था तो क्या बना लेंगे, फाइलम. ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये सब हम पढ़ेंगे, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. अब इसमें एक फाइलम होता है कॉर्डेटा, जिसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कॉर्डेटा वो आते हैं जिनमें एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड.
और डोर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम होता है, ये दो कैरेक्टर्स जिनमें पाए जाते हैं उनको कॉर्डेटा कहते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स ये फाइलम की जगह पे क्या हो जाता है, डिविजन। क्लासेस विद फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड एज डिविजन। जो चीजें एनिमल में फाइलम बोली जाती हैं वही चीजें जो प्लांट्स में डिविजन के नाम से बोली जाती हैं। अब किंगडम क्या है, ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन इनटू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी यही दो हाईएस्ट है। एनिमेलिया में सारे एनिमल फीचर्स वाले चीजें आती हैं, क्लास ऑर्डर सब सेम होगा पर फीचर्स और कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, और प्लांटे में वो सारे जो है उसमें भी स्पीशीज जीनस फैमिली सब होंगे पर वो प्लांट के कैरेक्टर्स पे बेस्ड होंगे। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। हेंसफोर्थ वी विल रिफर टू दीज ग्रुप्स इन एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जो कि आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, स्पीशीज सबसे छोटा है फिर उससे थोड़ा बड़ा फिर उससे थोड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा करते हुए हाईएस्ट कैटेगरी आ जाती है जो कि है किंगडम। इसी को अगर हम स्पीशीज से जीनस की तरफ चलते हैं तो ये असेंडिंग हायरार्की है। टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट। सब किंगडम्स भी होते हैं, सब डिविजन्स भी होते हैं, सब क्लास भी होता है, सुपर क्लास भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो फिशेज हैं ये सब ना सुपर क्लास में आते हैं, पर ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे आगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। लुक एट द हायरार्की इन द फिगर शोन 1.1, ये फिगर की बात कर रहा है। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ठीक। नंबर ऑफ कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मार्क कर लेना, नीट क्या किसी भी एग्जाम में ये ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, या हमेशा, या मैंने क्या बोला, स्पीशीज में आपको कई सारे जो रिलेटेड स्पीशीज है बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन जब आप जीनस में ढूंढोगे वही कॉमन जीनस में कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और जैसे आप किंगडम में जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स बहुत घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात जैसे मैंने समझाया कि आपको दोनों भाइयों को, आप किसी के घर में दो भाई हैं उनको आपने एक कमरे में छोड़ दिया और आप किसी और से कहा जाओ जाके ढूंढ के ले आओ, पकड़ के लेके आओ, पकड़ना आसान होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उनके अलावा दो कोई है ही नहीं। अब दो कैरेक्टर के बेसिस पे ही जिन, अगर हमें दो कैरेक्टर सिमिलर मिल रहे हैं, अब हम जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं हमें जो सिमिलैरिटीज है कैरेक्टर में वो तो मिल ही नहीं रहे हैं ना, तो वो जैसे जैसे हायर हम पहुंचते जाते हैं सेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा जब हमारा क्लासिफिकेशन बड़ा होते जाता है तो जो कैरेक्टर्स है कॉमन वो सिमिलैरिटीज जो है वो मिलना कम होती जाती हैं। द लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो स्पीशीज में जो जितने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो आपको जो है किंगडम में और फाइलम में और ऑर्डर में नहीं देखने को मिलेंगे, उससे कम ही होते जाएंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। लेकिन जैसे जैसे आप हायर कैटेगरीज में जाते जाएंगे एक ही टैक्सा पे जो है सेम ही लेवल पे अगर आपको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना पड़ा तो आपको डिफरेंट डिफिकल्टी मिलेगी। क्यों डिफिकल्टी मिलेगी? अच्छा मुझे अब ये बताना है कि जब हायर कैटेगरीज में जा रहे हैं तो डिफिकल्टी क्यों मिल रही है हमें? मैंने अभी आपको ये आंसर बताया है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना। Hence the problem of classification becomes more complex. अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बच्चे अगर नीट के लिए देख रहे होंगे उनके लिए तो ये एक अपने आप में ये चार हैं पर ये क्वेश्चन का भरमार है। मैन, याद रखना आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए। मैन बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, जीनस पहला वर्ड होता है दैट इज होमो, फैमिली होमोनी डे होता है, याद रखेंगे फैमिली में एंड ऑल में होमोनी डे है, होमो से होमोनी डे याद रखेगा। ऑर्डर प्राइमेटा अभी आपने पढ़ा था, क्लास मैमेलिया जिसमें क्लास मैमेलिया और ऑर्डर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्यों? क्योंकि हमारे में भी नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं, डोर्सल न्यूरल नर्व न्यूरल सिस्टम होता है। आते हैं हाउस फ्लाई दैट इज मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का तो जीनस इज मुस्का, फैमिली इज मुस्केडी, आपको याद रहेगा मुस्का से मुस्केडी, होमो से होमिनिडे। ऑर्डर डिप्टेरा, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा होता है, हाउस फ्लाई इंसेक्ट्स में आते हैं तो क्लास इंसेक्टा, लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज आर्थ्रोपोडा।
मैंगो मैंजिफेरा इंडिका. उसी तरीके से जीनस इज द फर्स्ट वर्ड, सो मैंजिफेरा विल बी द जीनस. एनाकार्डियेसी इज द फैमिली. सैपिंडेल इज द ऑर्डर. एंड क्लास डाइकोटिलीडिने. फैमिली और सॉरी डिविजन और फाइलम इज एंजियोस्पर्मी. पर इसमें चूंकि दिस इज प्लांट सो इट विल बी डिविजन रादर देन फाइलम. वीट ट्रिटिकम एसिटाइवम. जीनस इज ट्रिटिकी. फैमिली इज पोएसी. ऑर्डर इज पोएल. क्लास मोनोकॉटलिडिनी एंड एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का जो है वो एक अलग अगर मतलब सब डिविजन होता है जिसमें डाइकॉट और मोनोकॉट आते हैं. ये चीज ये आपको पूरा चार्ट बाय हार्ट याद होना चाहिए. अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं. जैसे एड्स का मतलब होते हैं मददगार चीजें या जो आपको जो आपकी हेल्प कर पाए, जो आपकी मदद कर पाए. टैक्सोनॉमिकल एड्स वो सारे मैकेनिज्म हैं, वो सारे फीचर्स हैं, वो सारे मेथड्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं जो टैक्सोनॉमी करने में आपकी मदद करते हैं. टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जनरल In knowing our bioresources and their diversities. These studies would require correct classification and identification of organisms. अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो plants हैं, आपको ये चीज़ मैं बताऊँ, जो medicines जितने भी बनती हैं ना, 25% of the medicines that are made or generated, उनमें 25% जो role होता है वो plants का होता है. तो 25% ऑफ द मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होती हैं, जो बनाई जाती हैं, वो प्लांट्स की मदद से बनाई जाती हैं. तो अगर हमें प्लांट पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से मेडिसिन मांगे. उनको पता ही नहीं है कि नीम है क्या, नीम को जान कैसे जाना जाता है, नीम दिखता कैसा है. तो क्या हम नीम से कभी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वो जितनी भी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, चाहे टर्मेरिक हो गया, चाहे क्विनिन हो गया, जो भी चीज़ें हैं. तो उसके लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए. अच्छा एक बात बताओ, इंटरव्यू के लिए जाना है, जब एड्रेस पता ही नहीं है, यही नहीं पता इंटरव्यू कहाँ देना है, तो कहाँ जाओगे इंटरव्यू देने के लिए. नाम पता तो होता है ना. सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो. अगर आपको कोई फॉरेस्ट्री में जाना है, चाहिए एग्रीकल्चर में, आपको पता ही नहीं है कि आपको उगाना क्या है, वीट आपको पता ही नहीं है, वीट का बायोलॉजिकल नेम, तो आप क्या करोगे उसके बारे में, आप क्या जानोगे, कुछ नहीं जान सकते हो. खुद ही नहीं पता वीट दिखता कैसे है तो उगा लोगे क्या एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में और खेत में जा करके नहीं होगा. लेकिन फॉर दिस वी हैव टू रिक्वायर, वी हैव टू नो द करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज. दे आर ऑल्सो फंडामेंटल्स टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग एंड सिस्टमैटिक्स. इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड is also stored along with the specimen. In some cases, the specimen is preserved for future studies. ये सारी चीजें इतनी important नहीं है, इसलिए मैं read करके आगे बढ़े, क्योंकि यही सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं. Sorry. क्यों जो taxonomical aid में जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना, information is gathered, stored and all. अब हमें आते हैं stored में क्या करते हैं. Herbarium. सभी ने छोटे छोटे classes में या फिर school में 9th, 10th and all में herbarium file बनाई होगी. पत्ते चिपकाते हैं, नाम लिखते हैं कहाँ से कलेक्ट करके लेके आए, जो अगर किसी का ऐसे ही बस चिपका भी देते हैं लेकर के वो भी साइड में नाम लिखते हैं. तो हर्बेरियम क्या है. हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. वैसे जो आप हर्बेरियम लेते हो एक्चुअल में वो हर्बेरियम का साइज नहीं होता है. हर्बेरियम का एक फिक्स्ड अलग स्टैंडर्ड साइज है और वहां वो क्या है स्टोर हाउस है. वो एक पूरी फाइल आती है, उसका हर्बेरियम शीट होता है अलग से, उसकी अलग से फाइल होती है बहुत ह्यूज. उसमें हम क्या करते हैं ड्राइड प्लांट्स को लेते हैं, उनको प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं शीट्स में. फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाता है. द स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज. स्टोर हाउस या रिपोजिटरी एक ही चीज है. अब वो जो आपने प्लांट अगर प्रिजर्व करके रख लिया तो उसकी हिस्ट्री आपके पास आ गई, उसका बोटानिकल नेम, उसका बाकी सब चीजें बताती हूँ क्या है. हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट. याद रखिएगा, ये नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, सात चीजें हैं जो हर्बेरियम बताती है. कौन कौन सी. डेट, देखो कलेक्शन से याद रखना, डेट कलेक्शन का, प्लेस कलेक्शन का, कलेक्टर का नाम, ये चीजें कलेक्शन से रिलेटेड है. डेट
प्लेस और नेम कलेक्टर का, मतलब जिसने कलेक्ट किया है वो, उसका नाम। कलेक्शन से तीन चीजें याद हो गई। अब आते हैं लैंग्वेज वाले पे। तो एक उसका इंग्लिश नेम, क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, तीन लैंग्वेज हो गई और चार जो है वो तीन चीजें कलेक्शन से रिलेटेड हो गई। याद हो गई सात चीजें, पहले ये याद रखो। अब कैसे याद करोगे? कलेक्शन में तीन चीजें हैं, डेट, प्लेस और कलेक्टर का नाम। डेट, प्लेस, कलेक्टर का नाम। फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको पता ही है, साइंटिफिक पढ़ ही रहे, तो वहां पे क्या होगा? इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटानिकल नेम। इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, और जो लास्ट बच जाता है बोटानिकल नेम और फैमिली। अब आप याद रखोगे इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम और प्लांट की फैमिली बताना बहुत जरूरी है, उसी के बिहाफ पे हम बाकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो हबेनेमस में सात चीजें की इंफॉर्मेशन रहती है, तीन चीजें जो है वो कलेक्टर के से रिलेटेड है, तो डेट कलेक्शन का, प्लेस कलेक्शन का और नेम कलेक्टर का, जिसने कलेक्ट किया। लैंग्वेज से जो है तीन चीजें रिलेटेड होती है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम और एक फैमिली प्लांट की। याद रखिएगा, हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तुरंत आपने क्या है, किताब क्या है आपका, बेस्ट रेफरल सिस्टम है। कोई डाउट होता है, बुक खोलते हो, रेफर कर लेते हो। तो अगर कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, तो आप सिर्फ एक आंसर दोगे, हर्बेरियम। व्हाट इज द क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, हर्बेरियम। मुझे सात चीजें लिख के बताना जो हर्बेरियम में इंफॉर्मेशन किन सात चीजों के बारे में दी जाती है। अब आते हैं बोटानिकल गार्डन्स। अब इसमें याद रखना, इस चीजें और भी याद रखनी है कि कौन सा जो एड है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है, कौन सा दोनों के लिए और कौन सा एनिमल के लिए। तो हर्बेरियम जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, हर्बेरियम प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, बोटानिकल गार्डन्स भी प्लांट्स के लिए। क्या है? दीज स्पेशलाइज्ड बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स जैसे ही कि आपका हर्बेरियम आपने पढ़ा प्लांट्स के लिए होता है, सेम बोटानिकल गार्डन भी प्लांट्स के लिए है। यहाँ पे जो प्लांट्स थे वो डेड फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का स्पेसिमन रखा जाता है रेफरेंस के लिए। याद रखिएगा, बोटानिकल गार्डन आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। बोटानिकल गार्डन आर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, और यहाँ पे प्लांट को आप प्रिजर्व करते हैं इन्फॉर्मेशन पर्पज से, लेकिन वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। लीव सिर्फ आप प्रिजर्व करके रखते हो मेनली, नहीं तो आप पूरा एक स्ट्रक्चर भी रखते हो, ऐसा नहीं है कि लीव्स ही होती है, पर मेनली हम रेफरल के लिए जो है उनका, लेकिन पूरा प्लांट पार्ट भी होता है। वो क्या होता है, आप उसको तोड़ रहे हो, डाई टू डेड फॉर्म में है, उसको प्रिजर्व कर रहे हो, ड्राई कर रहे हो ताकि वो आगे डीके ना हो, उसके बाद यूज करते हैं। पर बोटानिकल गार्डन्स में क्या करते हैं, हम लिविंग प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं फॉर रेफरेंस, एंड प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल नेम और साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। हर्बेरियम में तो बहुत सारी चीजें हैं, सेवन चीजें हैं टोटल। इसमें क्या होता है, कभी आपने अगर जो बच्चे लखनऊ के होंगे, चूंकि लखनऊ में एक बोटानिकल गार्डन है NBRI, एक बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है दैट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन, वो दोनों क्या है, यही दो गार्डन मतलब बोटानिकल गार्डन्स हैं, और मेन जो सबसे लार्जेस्ट है वो क्वी में है इंग्लैंड। वो बोटानिकल गार्डन्स में आपने देखा होगा प्लांट ऐसे ग्रो किया होता है, चाहे पॉटेड हो या ऐसे भी रखा हो, तो नीचे एक स्टैंड बना होता है, वहां पे उसका बोटानिकल नेम एंड द फैमिली, यही दो चीजें लिखी जाती हैं। बोटानिकल गार्डन में सिर्फ दो चीजें लिखी जाती हैं, प्लांट का जो बोटानिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है एंड द फैमिली, बस। म्यूजियम्स। अब म्यूजियम क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल एंड कॉलेजेस में भी हम म्यूजियम्स बना के रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, एक स्टोर हाउस है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ये स्टडी के लिए होते हैं और रेफरेंस के लिए। कई सारे लैब में, बायोलॉजी लैब में फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन में कई सारे एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन इसमें प्लांट्स भी प्रिजर्व करते हैं, और मेनली हम एनिमल स्पेसिमेन देखते हैं, क्योंकि प्लांट ऐसे बहुत रेयर प्लांट के स्टडीज हम नहीं देखते हैं, एनिमल ही देखते हैं, जिनके बारे में अगर हमें पढ़ना होता है 11th 12th में तो हम बायोलॉजी लैब में देखते हैं, और प्लांट स्पेसिमेन भी होते हैं। स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्वड इन द कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, मेनली वही फॉर्मल्डिहाइड होता है जो यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड ही स्पेसिमेन होता है, ड्राई स्पेसिमेन भी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को जो है वो इंसेक्ट बॉक्सेस आते हैं, जिसमें तीन स्टेप किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, किल किया जाता है और उन्हें पिन करके रख दिया जाता है।
कलेक्शन होता है, जैसे कॉकरोच वगैरह है, इनको हम ऐसे रख सकते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनको किल करते हैं और उसके बाद जो है उनको पिन करके इंसेक्ट बॉक्सेस में रख देते हैं। लार्जर एनिमल्स को जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टफ करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। जैसे मम्मीज को हम क्या करते हैं, उनमें हम स्टफिंग ही करके उनको प्रिजर्व करते हैं। तो वैसे ही जो लार्जर एनिमल्स हैं उनको हम कैसे, बर्ड्स एंड ऑल को हम स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं। स्टफिंग किसके लिए की जाती है मुझे कमेंट में लिख के बताना, और किसको किसके लिए कलेक्शन, पिलिंग, किलिंग और पिनिंग की जाती है ये बताना। म्यूजियम्स में प्लांट्स और एनिमल दोनों होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हर्बेरियम जिसमें डेड प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, बोटानिकल गार्डन में लाइव प्लांट स्पेसिमेन है, म्यूजियम्स में डेड एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेन है, ये याद रखना। जूलॉजिकल पार्क, these are the places where wild animals are kept in protected environment under the human care and which enable us to learn about their food habitat and behavior. zoological parks भी एक तरीके का taxonomical aid है, जहाँ पे कई सारे ऐसे जानवर रखे जाते हैं जो कि wild animals होते हैं और उनको एक protected environment में रखे जाते हैं। कुछ जो है वो endangered भी होते हैं, वो भी कई कई बड़े बड़े zoological parks में आपको देखने को मिल जाते हैं। All animal in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. और हर एनिमल को जहां तक हो सकता है हम zoological parks में भी natural environment देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना नहीं हो पाता है क्योंकि वो artificial है, man-made है, इसीलिए वो एक ex situ conservation भी है। याद रखेंगे जो zoological parks है ना वो ex situ conservation है। ये उन बच्चों के लिए है जो नीट दे रहे हैं, तो उनके लिए है ये चीज ex situ conservation, मतलब हम इसमें प्लांट का कंजर्वेशन उनके उस एरिया में रखकर नहीं करते, उनको अपने ओरिजिन जो है वो निश से लेक हटा करके कहीं और प्रिजर्व कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड ज़ूज। आपको भी पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, अब यहाँ पे भी जूलॉजिकल पार्क्स में भी याद रखिएगा, जूलॉजिकल पार्क्स आर ओनली फॉर एनिमल्स। अब आते हैं की, की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। अच्छा, ये की भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो प्लांट्स का और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करता है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। मतलब कि जो सिमिलर कैरेक्टर वाले होंगे उनको एक ग्रुप में रख देगा, जो डिसिमिलर वाले होंगे उनको एक ग्रुप, मतलब एक कैरेक्टर हुआ। अब जो जो एनिमल्स, मान लो एक एनिमल को ही आपने, एनिमल को आइडेंटिफाई करना, एक आपने कैरेक्टर रखा, अब जो जो एनिमल उसमें होंगे उनको एक सिमिलर में डाल दोगे जो वो कैरेक्टर शो करेंगे, जो नहीं जिसमें होंगे वो कैरेक्टर्स जो नहीं शो करेंगे उनको आप डिसिमिलर में डाल दोगे। किया बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब एक दूसरे से अलग डिसिमिलर कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब मैं जितना भी बोलूं इंपॉर्टेंट उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट। की क्या है, बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अकरिंग इन पेयर आर नोन एज कपलेट। कपलेट क्यों, क्योंकि पेयर में है, कपल का मतलब होता है पेयर, तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं पेयर के फॉर्म में जो यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कपलेट। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्योंकि पहले ही बोल दिया है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइसेस मेड बिटवीन द टू ऑपोजिट ऑप्शंस। मैंने बोला ना जो सिमिलर कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो डिसिमिलर है उसमें क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट ही तो कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन में से हम वही ऑप्शन चूज करेंगे जो सिमिलर होगा, डिसिमिलर वाले को रिजेक्ट कर देंगे। द रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। ऑब्वियसली बात है, अगर जो सिमिलैरिटी होगी उसी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऑन द अदर हैंड हम क्या बोल रहे हैं, डिसिमिलैरिटी को रिजेक्ट ही तो कर रहे हैं। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार नीट में पूछा जा चुका है कि ईच स्टेटमेंट इन अ की इज नोन एज लीड, या और जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अकरिंग इन पेयर इज नोन एज कपलेट। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जितने अलग अलग टैक्सॉन है, फैमिली है, स्पीशीज है, जीनस है, इनका सबका जो टैक्सोनॉमिक की होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जितने सारे जीनस है सबका की एक ही होगा, नहीं, हर जीनस का अलग अलग की होगा, और जीनस का की अलग होगा, फैमिली का की अलग होगा, ऑर्डर का की अलग होगा। की का मतलब वो सारे कैरेक्टर्स जो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे चूज किए जाते हैं। आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस ही तो करते हैं, तो एनालिटिकल ही तो नेचर के होंगे ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तीन की से आपको मिलती है। की में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की स्टडीज करी जाती हैं। पहली बात तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अकरिंग इन पेयर इज नोन एज कपलेट, और ईच स्टेटमेंट इन अ की इज नोन एज लीड, और कीज जो है जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं।
अब बताते हैं कि की के अलावा भी कुछ ऐसे हैं मोनोग्राफ्स, फ्लोरा और मैनुअल्स जो कि और हमें एक रेफरेंस सिस्टम है जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताते हैं. फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. जैसे कि दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं जैसे प्लांट के बारे में और जो भी प्लांट है उसका हैबिटेट एंड ऑल सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देते हैं. और अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि फ्लोरा. फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया. मतलब किसी एरिया के बारे में जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं किसी एरिया के प्लांट के बारे में उसका पूरा डिटेल, जैसे उसका हैबिटेट के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं उन सब चीजों के बारे में बताता है फ्लोरा. एंड दीज प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ये एक इंडेक्स है. जैसे मान लो कि अगर आपको पता है कि यूपी में कितने सारे प्लांट पाए जाते हैं वो सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, एक इंडेक्स कहाँ मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा वो फ्लोरा में. फ्लोरा आपने खोला, एक गिवन एरिया में जितने सारे प्लांट स्पीशीज हैं सबके बारे में आपको पता चल जाएगा. ये कहाँ से पता चलेगा, फ्लोरा से पता चलेगा. मैनुअल्स क्या है. मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. अब ये किसी एक स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है एक मैनुअल्स, मैनुअल क्या होते हैं जैसे लैब मैनुअल्स होती हैं, रेफरल सिस्टम के लिए यूज करी जाती हैं, वो क्या है आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. तो ये पर्टिकुलर नेम क्या है उनके, वो मतलब उनका नाम क्या है, वो किस नाम से जाने जाते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअल्स में मिलती है. मोनोग्राफ क्या है, किसी एक टैक्सॉन. मोनो का मतलब होता है वन. तो मोनो जो है वो किसी एक टैक्सॉन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है. जबकि इंडेक्स जो है वो पूरा प्लांट स्पीशीज किस एरिया में पाया जाता है उन सब का, जितने प्लांट स्पीशीज है किसी एरिया में पाए जाएंगे, किस एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं उन सबके बारे में करेंट हैबिटेट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताता है, फ्लोरा बताता है. और जो मैनुअल्स है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, फाउंड इन एन एरिया. वो आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफाई करता है उन पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उनके लिए मददगार होता है. और मोनोग्राफ क्या है, वो सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है. तो ये चैप्टर इसके साथ खत्म होता है. ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप सारे क्वेश्चंस करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है और आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन जो आपको समझने में मुश्किल आ रही हो या सॉल्व करने में मुश्किल आ रही हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड इसके बाद वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आया हो. इट इज द फर्स्ट चैप्टर एंड द फोरमोस्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट. तो अब इसके बाद जो है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. एंड थैंक यू.